अरे आराम से अंजलि, आराम से, ऐसा नहीं हो पानी झटकते झटकते जुल्फे ही झटक दो। अच्छा जी। खैर यार एक बात तो है, आज मजा आ गया विसर्जन में। हाँ, और सबसे बड़ा मजा तो मुझे ये आ गया कि विसर्जन के ठीक पहले जेठालाल आ गया। वैसे गणपति पापा ने दया भाभी की दिल की प्रार्थना सुन ली। अरे मेरी भी प्रार्थना थी कि मेरा दोस्त जल्दी लौट आए। भाई दया भाभी की बात तो वाजिब है, पति है उनके, लेकिन मुझे भी इस बार लगा कि देखिए जब हमारे पास कोई होता है ना अंजलि, तब शायद हमें एहसास नहीं होता, लेकिन जब कोई दूर चला जाता है तब रिश्तों की अहमियत का पता चलता है। अगर मैं आपसे दूर 15 दिन कहीं चली गई तो आप भी मुझे ऐसे ही मिस करोगे ना? बिल्कुल नहीं। क्यों? अरे भाई तुम मेरे बिना थोड़ी जाओगी, मुझे कहाँ आजाद छोड़ोगी तुम, हम तो साथ ही चलेंगे ना। ना? वैसे साथ में बाहर तो बाद में जाएंगे, पहले साथ में खाना खा ले। साथ में खाना पड़ेगा? हाँ जी, इस जन्म तो साथ में ही खाना पड़ेगा। चलो भाई। बहुत खा ले पूरन बोले। दया इतना अच्छा खाना क्यों बना दिया? पापा, पापा। टप्पू, टप्पू, टप्पू। पापा, अब तू बताओ क्या लाए? बेटा अभी नहीं, कल सुबह। हाँ बेटा। पापा प्लीज। अरे भाई जेठा, उसके लिए जो लाया है वो दे देना, वरना पूरी रात सोएगा नहीं। ओहो अच्छा ठीक है, चलो जल्दी 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 पापा। आ बेटा। ये ले, ये सबसे पहले जरा किड्स लैपटॉप। वाओ, थैंक यू पापा। और ये तुम्हारे लिए चॉकलेट। बस टप्पू देना के लिए सिर्फ इतनी चॉकलेट? अरे ये सिर्फ तुम्हारे लिए है बेटा, टप्पू देने के लिए और अलग है। ओहो बेटा खुल गया। हाँ खुल गया, आओ आओ। ये बाबूजी। हाँ। ये कोट आपके लिए। अच्छा पापा वो क्या है? बेटा वो तुम्हारे लिए नहीं है, तुम्हारे लिए जो था वो दे दिया मैंने। हाँ? अरे भाई जेठिया। जरा देख कैसा लग रहा है। वाह पापा, ये कोट थोड़ा छोटा नहीं लग रहा? बाबूजी सॉरी, ये आपका कोट नहीं। अच्छा एक मिनट। अच्छा और निकल जाए आपका कोट इसमें। एक हाँ। ये ये रहा, ये रहा। ओ, दोनों कलर सेम है ना, इसलिए गड़बड़ हो गई। ये कोट तो दया का है। दया? अरे क्या आप भी टप्पू के पापा, आपको पता तो है मैं सिर्फ साड़ी ही पहनती हूँ, तो फिर ये कोट कैसे? अरे बहू अगले साल बबीता की बर्थडे पार्टी में काम आएगा है। ले बोल। हाँ वो भी है। जीता देख कैसा लग रहा है। हाँ ये हुई ना कुछ बात, एकदम आप लंदन के लग रहे हो बाबूजी। चल टपूड़ा तुझे तेरी चॉकलेट मिल गई ना, चल भाई चल जल्दी से सो जा, सुबह स्कूल में जाना है। चल। हाँ गुड नाइट पापा। गुड नाइट बेटा। बाय बाय। गुड नाइट बेटा। गुड नाइट। बाय दिक्का। जीता जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र बाबूजी। बाबूजी कुछ नहीं हुआ। ओ इसके इसमें बैग में आ गया। हाँ हाँ। आँख बंद कर। ठीक है। ये देख तेरे लिए क्या लेके आया हूँ। मुझे दिख नहीं रहा है। अभी आँखें खोल। अरे डायमंड का सेट। डायमंड का सेट? थैंक यू। लेकिन इतना सारा खर्चा करने की क्या जरूरत थी? अरे पगले तेरे लिए खर्चा नहीं करूंगा तो और किसके लिए करूंगा? थैंक यू। अच्छा मेरा वीरा सुंदर के लिए और माँ के लिए भी कुछ लाया है या भूल गया? अरे उनको कैसे भूल सकता हूँ। हाँ ये देख, ये तुम्हारी माँ के लिए ओ, पेशल हो, चप्पल है, खादी वाले।
क्या हो, चलने में आसानी होगी। उधर कोई फेमस है डॉक्टर पॉल, उसने डिजाइन किया है। ओहो, डॉक्टर पॉल तू जानती है? नहीं। ओहो, तो ऐसे बोली जैसे मुझे लगा बचपन में तुम लोग साथ में खेले हो। ये तो ऐसे ही। और टोपी बाज के लिए टोपी, मतलब मतलब सुंदर के लिए टोपी। वाह, थैंक यू। कैसी लग रही हूँ? मस्त। थैंक यू। और हाँ, सोसाइटी वालों के लिए? अरे भाई, सोसाइटी वालों के लिए, अब्दुल के लिए, नटू काका के लिए, सबके लिए लेके आया हूँ। तो चलिए अभी जाकर सबको गिफ्ट दे देते हैं। अभी? अभी नहीं दे, कल कल सुबह जाएंगे। हा? अरे कल सुबह तो सब लोग काम पे चले जाएंगे, सब लोग अभी ही घर पर मिलेंगे। हाँ वो भी है। हाँ। तो एक काम कर, तो ये सब गिफ्ट ना एक थैले में भर दे, हम लोग अभी के अभी सबको दे के आते। ठीक है। चलो, कितनी देर? चलो। हाँ, लीजिए। अरे ये क्या पहना है? दया, इसको नाइट गाउन बोलते हैं। लंदन में सब लोग नाइट में यही पहनते हैं। हाँ, ओहो, तो पहनो, जरूर पहनो। हमारी सोसाइटी वालों को भी लगना चाहिए कि आप आज ही लंदन से आए हैं। फिर चलो, ये लो। हाँ। सॉरी। कोई बात नहीं दया, अब लग रहा है मैं घर में हूँ। क्या अभी? चलिए अब। दया, दया, दया। हाँ? ये देखो, हैं? शाम को यहाँ कितने धूम धाम थे। हाँ? और अभी गणपति बापा के जाते ही सब कैसा सुना सुना हो गया। नहीं, एक बात कहूँ, आपके लंदन जाते ही घर भी ऐसा ही सुना सुना हो गया था। सच? झूठ? अरे सच ही तो बोल रही हूँ। बहुत नटखट हो गई है तू आज। संभल, क्या कर रही है? दया, वैसे मुझे भी लंदन में तुम्हारे बगैर बहुत बहुत सुना लग रहा था दया। सच? सच। चलिए अब। किधर? गिफ्ट देने। अरे हाँ। ओहो, फिर क्या हुआ? अरे थोड़ी हाथ की पकड़ ढीली तो कर। क्यों? अरे डोर बेल बजानी है। सॉरी। तो? कीजा। चुपचाप हथेली पे मेरा नाम क्यों? भाई जरा निगाह इधर भी डालिए। लुक, हु हैज कम? मिस्टर जेठालाल गड़ा फ्रॉम लंदन। गाउन वगैरह? पाइप कहाँ है मिस्टर गड़ा? पाइप बाथरूम में। भाई मैं उस पाइप की बात नहीं कर रहा भाई, गाउन वाउन पहना है स्टाइल में हो तो वो पीने वाला पाइप वो कहाँ है? ना, ना, आपको तो पता है मतलब सर, मैं पाइप नहीं पीता हूँ। मैं भी नहीं। ना।
खैर ये छोड़ो, लेकिन ये सामान वामान लेके इस तरह से? अरे नहीं चिंता मत करो, बापू जी ने हमको घर से निकालने ही दिया है। लेकिन फिर भी ये है क्या जेठालाल? ये सोफे पे बैठ के बताऊं या सोफा इधर ला रहे हो? अरे यार सॉरी सॉरी सॉरी, आओ आओ चलो 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 बेटा, आओ मदद करो थोड़ी। नहीं नहीं ठीक है, आओ आओ चलो, आओ बैठो दया, बैठो बैठो भाभी बैठिए। अंजलि देखो कौन आया है, लुक हु इज हियर। अरे दया भाभी, जेठ भाई, हाउ आर यू? आई एम फाइन थैंक यू, हाउ आर यू? आई एम वेरी फाइन थैंक यू। व्हाई? हां अरे वो मेहता साहब के लिए गिफ्ट ले होता दे? हाँ हाँ जरूर। भाई बहुत बड़ी नहीं है, छोटी सी गिफ्ट लाया हूँ आपके लिए। अरे यार, अरे छोटी क्या होती है, भावनाएं बड़ी होती है जेठालाल। देखो तो सही क्या लेके आया, खोल लो अभी खोल लो। अरे पूरा पेपर फाड़ दोगे क्या? देखो तो सही क्या है इसमें। अरे भाई क्या बात है जेठालाल, ये है मेरे जीवन की 1371वीं पेन। देखा ये, मैंने बोला दया को, मैं गया तभी ये मेरे पीछे पड़ गई थी, मेहता साहब के लिए बढ़िया एक पेन लेके आना। मैंने बोला भाई वो लेखक है, सब लोग उनको पेन ही देते होंगे। बोला नहीं आप पेन लेके आना। जेठालाल सब लोग पेन जरूर देते हैं, लेकिन देने वाले आपके जैसे नहीं होते भाई। बेस्ट गिफ्ट है, मेरे बेस्ट फ्रेंड जो लेके आए हैं। आप देखो इससे क्या कमाल लिखता हूँ मैं। देखा देखा मेहता साहब ने क्या बोला। और ये दूसरी गिफ्ट, ये अंजलि भाभी आपके लिए है। अरे वाह, मेरे लिए गिफ्ट? थैंक यू सो मच जेठा भाई। क्या है ये? ये किताब है, इसमें दुनिया भर का सूप सलाद वो सब कैसे बनाते हैं वो लिखा है। रेसिपी बुक? थैंक यू सो मच जेठा भाई। देखा सबको पता है कि मुझे आपकी सेहत का कितना ख्याल है। हाँ देख रहा हूँ मैं जेठालाल, अभी अभी मुझे बेस्ट गिफ्ट दिया, अभी अभी ये गिफ्ट, इसको भुगतना किसे पड़ेगा सूप सलाद को? आप चिंता मत करो, मैं मजा कर रहा था। इसमें वो किताब नहीं है अंजलि भाभी। इसमें वो डिजिटल फोटो फ्रेम है। अरे डिजिटल फ्रेम? अरे देखा, इसमें क्या आप अपना और मेहता साहब का फोटो निकाल के उसमें कंप्यूटर से डाल देना, फिर क्या वो अपने आप रोज ऐसे वो बदलते रहेंगे फोटो। मजा आएगा। ये खास वो मैं लाया हूँ, मैं वो तो दे भाई। हाँ जरूर लीजिए। ये मैं अपनी तरफ से आपके लिए लेके आया हूँ। Oh my God, जेठालाल तुम्हें याद रहा? बिटर डार्क चॉकलेट मुझे बहुत पसंद है, तुम्हें याद रहा? वेरी गुड यार, मजा आ गया। अच्छा ये बताओ यार, ये सब तो चलता रहेगा, लंदन कैसा रहा? क्या बताऊं मेहता साहब, बहुत मजा किया, मजा ही मजा किया उधर। थोड़ा डिटेल में बताओ क्या मजा क्या किया मतलब। मेहता साहब क्या अभी गाय गाय में मजा नहीं आएगा, उसके लिए हम लोग आराम से बैठेंगे और एकदम क्या बोलते हैं इत्मीनान से बातें करेंगे। अभी क्या सबके घर पे जाना है, सबको गिफ्ट देना है, तो अभी हम लोग जरा निकल रहे हैं। चलो चलो यार कोई बात नहीं, बैठते हैं फिर आराम से। हाँ ठीक है। लेकिन यार वंस अगेन थैंक्स वेरी मच यार, नाइस गिफ्ट यार। मेहता साहब थैंक यू नहीं बोलने का, वो बोलते हैं ना क्या फ्रेंडशिप में नो सॉरी नो थैंक यू। चलो तुम्हें निकल दे। ओके ओके ओके। अरे दया भाभी ये न्यूज़पेपर बॉक्स है। ओ सॉरी। क्या भाई ये? अभी अभी तो कहा नो सॉरी नो थैंक यू। चलो चलो भाई चलो। ओहो मिस्टर एंड मिसेस गड़ा, क्या बात है हा? अरे किधर जाना है? कोमल भाभी के घर पर। मैं क्या बोलता हूँ, पहले बबीता जी के घर पर जाके आते हैं ना। हुँ? क्या उधर जाएंगे तो फिर उधर से बबीता जी का घर बहुत दूर पड़ेगा, क्योंकि हम इधर तक तो आ गए, तो इधर से बाजू में ना पहले उधर देख के आते हैं। ठीक है जैसा आप कहो। आई एग्री। चल। अब्दुल मंडप के इतने पैसे कभी नहीं हो सकते, मंडप वालों को बोलना कि मुझसे बात करे पत्रकार पोपटलाल से, अगर पैसे कम नहीं किए तो मैं दुनिया हिला कर रखूंगा। अरे पोपटलाल जी जरा संभाल के बात करना, मंडप वाले कुश्ती के चैंपियन है, कहीं आपको हिला ना दे। हाँ चलिए चलो चलो, जो पैसा मांगे दे देना, मना मत करना। अरे जेठालाल क्या बात है, नाइट गाउन नई स्टाइल। अरे पोपटलाल अब्दुल, अच्छा आप लोग इधर ही मिल गए। ओ हम लोग बबीता जी के घर पे हो गए, फिर आपके इधर ही आने वाले थे। हाँ।
क्यों? वो पर भाई टप्पू के पापा आपके लिए लंदन से गिफ्ट लाए हैं ना, वो देने के लिए आने वाले थे। सॉरी दया भाभी, मैं कभी किसी से गिफ्ट नहीं लेता। क्यों? क्योंकि गिफ्ट दूसरे शब्द में होती है रिश्वत, और मैं रिश्वत के सख्त खिलाफ हूँ। क्या है जेठालाल, आज तुम मुझे गिफ्ट दोगे, फिर कल मुझे तुम्हें गिफ्ट देनी पड़ेगी। और मैं तुम्हें गिफ्ट क्यों दूं भाई? मैं तो कहता हूँ ये गिफ्ट का सिस्टम शुरू किसने किया? जिसने भी किया हो, मेरे हिसाब से गिफ्ट के सिस्टम को एकदम कैंसिल कर देना चाहिए बस। ठीक है पत्रकार पोपट लाल, आज तुमने मेरी आंखें खोल दी भाई। ये लिफ्ट देने लेने का ये सिस्टम कैंसिल, ठीक है कैंसिल। जेठा भाई, मेरा गिफ्ट का सिस्टम चालू है। चालू है तो ठीक है, अब्दुल का दे दो 7 नंबर। जरूर 7 नंबर। अरे भाई तेरा जूते की साइज 7 नंबर ही है ना? हाँ। तेरे लिए जूते लाया हूँ। हाँ ये लो, 7 नंबर का जूता है इसमें। ये हील वाले जूते हैं। हील वाले? ये जूते पहनेगा ना तो तेरी आइडिया पोपटलाल जितनी हो जाएगी। थैंक यू जड़े भाई, थैंक यू। पोपट भाई, कल से मैं आपके साथ आंखों में आंखें डाल के बात करूंगा। चलो एक मिनट। मैं क्या कह रहा था कि तुम इतने प्यार से मेरे लिए गिफ्ट लाए हो, और वो भी इतनी दूर से, और फिर तुम इतना बोल भी रहे हो, तो मैं सोच रहा हूँ कि मैं गिफ्ट रख ही लेता हूँ। कहाँ तुम्हें बेकार में नाराज करूँ। मैं नाराज हुआ ही नहीं हूँ भाई। नहीं नहीं, फिर भी दे दो। अब टप्पू के पापा ये कितने प्यार से गिफ्ट मांग रहे हैं, तो दे दीजिए ना। दे दो। हाँ ठीक है, पकड़ो। थैंक यू जेठालाल। अरे भाई ये गिफ्ट नहीं है तुम्हारा, तुम्हारा गिफ्ट देता हूँ, रुको जरा। अच्छा अच्छा ये। अरे भाई ये नाइट गाउन नहीं चाहिए मुझे, मैं नाइट गाउन नहीं पहनता हूँ। अरे शांति रखो भाई। हाँ तुम्हारा गिफ्ट। अरे वाह क्या बात है अब्दुल, जरा पकड़ो इसे। अरे वाह, ट्राई कलर इम्पोर्टेड छतरी। हाँ क्या बात। मैं क्या सोच रहा हूँ कि अगर किसी की शादी वादी हुई या कोई पार्टी हुई, तो उसमें इस स्पेशल छाते का इस्तेमाल करूंगा। थैंक यू भाई, थैंक यू। चलो भाई चलो। भाई किधर चलो, ये थैला दो, उसमें दूसरों को देने का गिफ्ट है भाई, ये किधर लेके चलो। सॉरी सॉरी जेठालाल। गिफ्ट कैंसिल, गिफ्ट कैंसिल, सब लेके जा रहे हैं भाई। पत्रकार पोपटलाल चलो। चलो चलो भाई चलो। आओ अब्दुल आओ चलो। भानुमति के पिटारे में जितनी चीजें नहीं होंगी, उससे कहीं ज्यादा गिफ्ट्स आज जेठालाल के पिटारे में है। लंदन से आए जेठालाल, भले ही लंदन जाके आए हो, लेकिन भारतीय परंपराओं से बंधे हुए हैं, तभी तो सबके लिए तोहफे याद रहे। यही है भारतीय संस्कृति कि हम हमारे मित्रों को पड़ोसियों को नहीं भूलते, इसीलिए हमारा समाज एक सूत्र में बंधा रहता है। लेकिन अभी तो सबको देने बाकी है गिफ्ट्स, जेठालाल के पिटारे से निकलना बाकी है। क्या क्या होगा इस पिटारे में, क्या क्या तोहफे निकलेंगे, ये सब देखने वाली बात है। लेकिन जितने भी तोहफे निकलेंगे, साथ में लेके आएंगे बहुत सारे ठहाके हमारे पिटारे में आपके लिए। ठहाके ठहाके, धमाके ही धमाके, हंगामे ही हंगामे। तारक मेहता का उल्टा चश्मा देखते रहिए। हेलो दोस्तों, आपको तारक मेहता का उल्टा चश्मा के अपडेट सबसे पहले चाहिए ना, चलिए यूट्यूब सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करें।